बाबा साहब आज मान्यवर काशीराम जयंती का समारोह है। आज इस सभा में इस मेरठ के दूर दराज से आए हुए भाइयों बहनों सभी को जय भीम जय काशीराम। और मंच पर हमारे इसमें बैठे हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और एलायंस के सभी वरिष्ठ और राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रबुद्ध नेता साथी और इस कार्यक्रम में हमारे नेशनल बहुजन एलायंस के संयोजक माननीय सुरेश माने साहब और इसमें मंच पर बैठे और तमाम प्रबुद्ध साथियों बहनों साथियों, आज का ये शुभ दिन है जब हम इस मेरठ में एक नई क्रांति की ओर चलने का संकल्प लेने जाते हैं। साथियों, बहुत इस देश में राजनीति हुई और राजनीति शुरुआत हुई आजादी के बाद से। आजादी के पहले तो संघर्ष था, आजादी के बाद राजनीति के रूप में शुरुआत हुई। लेकिन ये राजनीति इस देश में सबका देश बनाने के लिए, सबको इसे भागीदार करने के लिए राजनीति का शुरुआत हुई। लेकिन इस देश के जो विकृत सामाजिक व्यवस्था का देश है, उस समाज के लोगों ने उन विकृतियों को भी बनाए रखा, उनको छोड़ा नहीं और आज भी वो नहीं छूट पा रही। जबकि इस देश में जो दबा समाज था, जो पिछड़ गया था सामाजिक और राजनीतिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, उसमें भी नेतृत्व आया, लेकिन उसका भी नेतृत्व वो उसी तरह का काम किया है जिस तरह इस देश के उस विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोगों ने नेतृत्व किया, शोषण का नेतृत्व। लेकिन ये इसलिए कि हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पाए। जिस दिन अपनी ताकत को हम पहचान जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो ताकत है जो समस्या पैदा की गई है आपके ऊपर, उस समस्या को हल करने की ताकत आपके पास है, वो समस्या उस ताकत को हम नहीं पहचान पाए, उसको पहचानना होगा और राजनीति का तौर तरीका भी बदलना होगा। यह देश हम सबका है तो फिर इस देश में हर स्तर पर भागीदारी की शुरुआत होनी चाहिए। जो संकल्प 47 में लिया गया था, इस देश को जिस स्तर पर था उस स्तर पर बनाए रखने का एक संकल्प लिया गया था 47 में। लेकिन सवाल यह है कि उस स्तर को, उस स्थिति को हम तोड़ने का काम करते चले आए हैं जिसकी ताकत जैसी बनती रही है। तो सवाल यह है, उसमें धर्मों को अलग अलग करने का काम किया गया है, उनके ऊपर चोट पहुंचाई गई है, उसी तरीके से दलित और पिछड़े के ऊपर भी वार की गई है और उनको पछाड़ा गया है। आज ये सरकार जब से बनी है तब से देख रहे हैं कि इस देश में कमजोर और मजलूम को जहां पाते हैं उसको जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कत्लेआम किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप इस देश में हिस्सेदार नहीं बन पाए हैं, जबकि ये संकल्प है, ये संविधान है, लेकिन आपने इसे लागू नहीं करा पाए हैं, या आपका वोट उनके लिए, उनके फायदे के लिए जाता रहा है। तो साथियों, चाहे आपके बिरादरी का नेता हो, चाहे आपके समुदाय का नेता हो, लेकिन नेता आप उसे बनाइए जो आपके अधिकारों के लिए काम करे। तो इसलिए ये जो नेशनल बहुजन एलायंस का जन्म हुआ है, या ये जो बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि ये बहुजन एलायंस को जो ताकत आप देंगे, वो ताकत आपके लिए काम करेगी। इस देश के आप हिस्सेदार बनोगे। जैसे तमाम आप आंदोलन देखते हो कि सरकारों ने काम में तो लगाया है लेकिन उनको पूरा वेतन नहीं दे रही है, आखिर क्यों? इस सवाल यह है कि हमने उसके लिए नहीं लड़ा था, हमने तो जात बिरादरी के नेता के लिए लड़ा था, इसलिए वो नेता बनता है, इसके बाद हमारा शोषण करता है। तमाम आपने देखा हो आंगनबाड़ियों के, आशा बहू के,
होमगार्ड के, शिक्षा मित्र के, किसान के, रसोईया के, इनमें तमाम आंदोलन होते हैं, तमाम हिंसात्मक आंदोलन हो जाते हैं, लेकिन उनका वेतन उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी लड़ाई यह है कि न्यूनतम तय होना चाहिए, जैसे 15,000 रुपया हर व्यक्ति को मिलना चाहिए और काम की हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। ये सरकार जब बनी तो उसने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको काम से जोड़ने का काम करूंगा, हम हर व्यक्ति के विकास को उसे लाने काम करूंगा, विकास से जोड़ने काम करूंगा। लेकिन सरकार बजाने के बाद वो विकास छोड़ दिया और उसको कहती है ये जुमला है और बड़े बेशर्मी से कहती है ये जुमला है। सवाल ये है कि आपने उसको बेशर्मी को बर्दाश्त कर रहे हो। इस देश में जो चोरी करके, जो वोटों की चोरी करके इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो सवाल यह है कि आपके साथ यही होना था, यही होगा। इसलिए आप अपनी ताकत को पहचानो, अपने हिस्से के लिए लो। और ये जो नेता वर्तमान में जो आया, 19 का चुनाव आ रहा है, उसमें जो लोग संकल्प दे कि आपकी ये समस्या है इनको हल करने के लिए हम तुम्हें जन एफिडेविट दे रहा हूँ, ये एफिडेविट है कि हम तुम्हें सबका साथ सबका विकास तो सबको काम देंगे, नौकरी देंगे, अगर नौकरी वो भी 15,000 रुपए के कम से कम, अगर ये नौकरी नहीं दे पाते हैं तो फिर हम आपको संसाधन देंगे रोजगार के लिए, वो भी 15 लाख तक का ये संसाधन देंगे। और इसके बाद हम पेंशन से जोड़ने का काम करूंगा हर व्यक्ति को, वो चाहे जो विकलांग हो, वृद्ध हो, विधवा हो, उसको 6,000 रुपए उसको पेंशन सुनिश्चित होनी चाहिए, वो होगी, ये तय होगा। ये तय करना आपको है, हम उसी को नेता मानेंगे कि जो ये न्यूनतम आधार हमारे तय करेगा। इसके बाद टैलेंट की पहचान आगे होगी, क्योंकि सबको रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान और भूमि का जो हिस्सेदारी देगा, जो न्यूनतम आधार तय करेगा, वही हमारा नेता होगा। इसके बाद टैलेंट आगे होगा, तब सभी प्रतिनिधित्व की बात आएगी कि टैलेंट की बात जो करने वाले हैं, अभी पिछड़े समाज के लोग 314 की जो भर्ती हुई IAS में, तो उसमें टैलेंट के नाम पर जो पिछड़े समाज से आवेदन किया था, तो उसको मेरिट ऊपर होने के बाद भी उनको निकाल दिया गया, उनकी लाल बत्ती खरी की खरी रह गई। तो ये जो है वो टैलेंट कहाँ गया, वो पिछड़े थे इसलिए उनका टैलेंट नहीं माना जा रहा है। ये सवाल इस देश में जो पैदा किए गए हैं वो कोर्टों के द्वारा पैदा किए जा रहे हैं। कोर्ट इस देश की सत्ता के आधार पर चलते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। प्रतिनिधित्व जिस दिन कोर्टों में भी होगा, उस दिन आपके साथ न्याय होगा। ये ताकत आपके पास है, आप इस ताकत का सही माने इस्तेमाल करें, अपनी ताकत को पहचान लें, तो इस देश में हर व्यक्ति इस देश का हिस्सेदार बनेगा। हर देश के हर व्यक्ति के, महिला और पुरुष के मुस्कुराहट आएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, सबका भारत मजबूत भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।